अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां स्थित पीजी महाविद्यालय में पहली अवस्था को लेकर छात्रों में आक्रोश है। डिग्री कॉलेज के प्रशासन के खिलाफ नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पीजी महाविद्यालय में विभिन्न अवस्थाओं को लेकर मुख्य गेट के बाहर तालाबंदी करके महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रचार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के संजय राव ने बताया कि विगत कई वर्षों से महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम देखा जा रहा है, जिससे कई बार महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत भी कराया, लेकिन उनकी ओर से अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए NSUI की तरफ से मुख्य गेट पर तालाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि अपनी 8 सूत्री मांग, जिसमें महाविद्यालय में संचालित हो रहे पुस्तकालय के निर्माण, वाचनालय में नई पुस्तक मंगवाने, महाविद्यालय में विभिन्न विषय के रिक्त पदों की पूर्ति करवाने, पिछले 5 वर्षों की तुलना में विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों से वसूली जा रही दुगुनी फीस को कम करवाने, महाविद्यालय में CCTV कैमरे और अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया है। महाविद्यालय के अंदर एग्जाम टाइम में भी काफी सारी चोरियां हुई है और काफी सारे बच्चों के मोबाइल गुम चुके हैं। ना आते हुए प्रशासन के द्वारा हमने बहुत सारी बार मांग करी कि यहाँ पे एक बार पुलिस जाब्ता वगैरह या कोई भी एक जवान यहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, यहाँ से होने वाली चोरियों से बचा जा सके। और ना ही फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जो एग्जाम हुए थे, उनके बाद जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम की भी आज लास्ट डेट हो गई, उनके फॉर्म भरा गया, लेकिन अभी तक प्रॉपर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के बाद ना तो कोई क्लासेस चालू हुई है, ना कोई महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई एक्टिविटी है। और ग्राउंड के अंदर और अंबेडकर छात्रावास के अंदर पूरा गेट जो उधर का है, उधर से अंबेडकर छात्रावास में किसी न किसी रूप का कोई ना कोई खतरा ना हो, तो उस गेट को भी पूरी तरह से अभी वो टूटा हुआ है, ना तो उसको प्रॉपर तरीके से सही करवाया गया है। और अंबेडकर छात्रावास भी पूरी तरह से मरम्मत कराने लायक अभी तक कोई मरम्मत नहीं करवाई गई है। और महाविद्यालय में जितने भी छात्र आ रहे हैं, तो अभी महाविद्यालय की शोभा उसी से बढ़ती है कि जब क्लासेस चलेगी तो कोई भी घर परिवार वाले भेज रहे तो किस लिए भेज रहे कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय के छात्रों को ना तो कोई क्लासेस अटेंड करवाई जा रही, ना कुछ। प्रशासन अभी बिल्कुल हर चीज़ को अनदेखा कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है। और हमारी 10 मांगे की गई है।